एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक रोमांचकारी मैच में पिछड़ने के बाद जीत हासिल की है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने नीदरलैंड की टीम को पराजित किया है। इस मुकाबले में भारत की टीम पिछड़ने के बाद वापसी करने में सफल रही और पिछड़ी भी एक बार नहीं दो दो बार, और उसमें से एक बार तो दो गोल से पिछड़ गई थी भारतीय हॉकी टीम, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की और मुकाबला जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह आरक्षित करा ली। क्वार्टर फाइनल में भारत ने नीदरलैंड को कैसे किया पराजित पिछड़ने के बाद, और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और नीदरलैंड के बीच था। नीदरलैंड की टीम एक मजबूत टीम है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 4 है जबकि भारत की वर्ल्ड रैंकिंग 3 है, और दोनों के बीच ये मुकाबला भी उसी तरह का हुआ। हालांकि अगर हम बात करें तो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर यानी कि हाफ टाइम तक नीदरलैंड की टीम ही पूरे मैच में छाई रही। 5वें मिनट में ही नीदरलैंड की टीम ने बढ़त हासिल कर ली थी और वहां पर बोस ने पहला गोल किया, वो भी पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू, और जब पहला क्वार्टर समाप्त हुआ तो नीदरलैंड की टीम एक गोल से आगे थी। दूसरे क्वार्टर में भी नीदरलैंड ने अपने हमले कम नहीं किए, आक्रामक हॉकी खेली और हेजडेन ने जो है इस बार पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया और नीदरलैंड की टीम 2 गोलों की बढ़त पर आ गई। जब पहला हाफ समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड दिखा रहा था नीदरलैंड 2 भारत 0। इस वक्त आप कह सकते हैं कि भारतीय उम्मीदें डूबने लगी थी, लेकिन इस डूबती उम्मीदों के बीच निकल कर आए आदित्य लालागे और उन्होंने भारत के लिए पहला गोल किया। खेल का 34वां मिनट था, हालांकि प्रयास यहां पर जो है अरिजीत हुंडल के द्वारा किया गया था। लेफ्ट से गेंद को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़े, सर्कल को पेनिट्रेट किया और गेंद बढ़ा दिया वहां पर आदित्य लालागे के लिए, और आदित्य लालागे ने कोई चूक नहीं की और भारत के लिए पहला गोल आ गया। 2 मिनट के बाद ही भारत को जो है एक बार और से गोल करने का अवसर मिला और वहां पर नीदरलैंड के डिफेंडर ने अपने सर्कल में गलती की जिसका कि खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। भारत को मिला पेनल्टी स्ट्रोक और अरिजीत हुंडल वहां पर तैयार थे और उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में कन्वर्ट किया और पहली बार मैच में भारत बराबरी पर आया। स्कोरबोर्ड दिखा रहा था भारत 2 नीदरलैंड 2। भारतीय टीम ने दबाव बनाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन इस बीच नीदरलैंड की टीम ने भी पलटवार किया और लगातार सर्कल पेनिट्रेट करने की कोशिश की और इसी में उसे जो है एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। 44वां मिनट था और ओलिवर ने जो है एक बार फिर से नीदरलैंड को इस मुकाबले में बढ़त दिला दी। स्कोर हो गया 3रे क्वार्टर की समाप्ति पर नीदरलैंड 3 और भारत 2। तो धड़कनें बढ़ने लगी थी और खास करके जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, खेल खत्म होने में बमुश्किल 10 मिनट बचा हुआ था, फिर 9 मिनट बचा हुआ था, तो लग रहा था कि अब गोल होगा या नहीं होगा। लेकिन जब 8 मिनट बचा हुआ था, मतलब 52वें मिनट में भारतीय टीम ने 3रा गोल दाग दिया। पेनल्टी कॉर्नर मिला था भारतीय टीम को और वहां रिबाउंड पर सौरभ आनंद कुशवाहा ने भारत के लिए बराबरी वाला गोल दागा। स्कोर हो गया भारत 3 नीदरलैंड 3 और इसके 4 मिनट बाद भारतीय कप्तान उत्तम सिंह ने भारत को इस मैच में पहली बार बढ़त दिला दी और उन्होंने गोल दाग दिया 4था, और भारतीय टीम आगे हो गई 4-3 से। 3 के मुकाबले 4 गोलों की बढ़त पर भारतीय टीम थी। इसके बाद तो नीदरलैंड की टीम ने हमले की बौछार लगा दी और यहां पर तारीफ बनती है रोहित की, जो कि एक दीवार की तरह खड़े रहे डिफेंस में और लगातार जो है
पेनल्टी कॉर्नर मिलते गए नीदरलैंड की टीम को और उनका जबरदस्त स्ट्रोक आते रहा और कहानी वही रही कि रोहित हर बार उसे रोकने के लिए वहां पर मौजूद थे और रोहित का ये जो बेहतरीन डिफेंसिव खेल था, प्रदर्शन था, जुझारूपना था, उनकी हिम्मत थी, साहसी प्रदर्शन था, इसके बूते भारत ने नीदरलैंड को चौथा गोल करने नहीं दिया, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फिलहाल आपके लिए सूचना ये कि भारत ने FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को 3-4 से पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां सेमीफाइनल में उसका मुकाबला गुरुवार 14 दिसंबर को जर्मनी से होगा। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।